हेलो डियर स्टूडेंट, तो अगर आप लोग 2024 में WBJEE का एग्ज़ाम देने वाले हो और जादवपुर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में टॉप ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा WBJEE एग्ज़ाम में या फिर कितना रैंक लाने पर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। होम स्टेट वाले स्टूडेंट लोगों को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना रैंक लाना पड़ेगा। अगर होम स्टेट के बाहर से अदर स्टेट से तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, कितना रैंक लाना पड़ेगा, दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अदर स्टेट वाले स्टूडेंट लोगों के लिए। तो देखिए, अगर आप लोग अदर स्टेट से यानी वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, बिहार, झारखंड, UP, मध्य प्रदेश, भोपाल, कहीं से भी है वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में टॉप ब्रांच के लिए लाइक कंप्यूटर साइंस आपको 135 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा 200 में से। WBJEE एग्ज़ाम में टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 200 मार्क्स में से अगर आप लोग 130 प्लस मार्क्स ले आते हो तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में टॉप ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपके लिए ब्रांच मैटर नहीं करता, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज से मतलब है, कोई भी ब्रांच मिल जाने से चलेगा, तो आपको उसके लिए 115 प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा 200 में से, ये आप देख सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को यही कहूँगा, आप लोग 200 में से 130 प्लस मार्क्स स्कोर करने का टारगेट कीजिए, ठीक है। वहीं पर अगर रैंक की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर साइंस जैसे टॉप ब्रांच के लिए आपका जो रैंक है 50 के अंदर होना चाहिए अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं तो। और सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी ब्रांच चलेगा तो आपको 300 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए, यानी देखा जाए तो आपको टॉपर के कैटेगरी में आना पड़ेगा तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल पाएगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए टॉपर लोग का जैसे, ठीक है। पूरा दिन रात मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। देखो, एक और बात मैं आप लोग बताना चाहूँगा, देखो ये मार्क्स ये रैंक देख के अपने आपको डीमोटिवेट मत करो, ठीक है। आपको अपने तरफ से पूरा कोशिश करना है। बाकी WBJEE के अंदर और भी काफ़ी सारा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा अच्छा कॉलेज है, ठीक है। लेकिन मेहनत करना जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, टारगेट आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी को ही रखना है। और देखो, WBJEE एग्ज़ाम आपका जितना अच्छा मार्क्स आएगा उतना अच्छा रैंक आएगा, और जितना अच्छा रैंक आएगा आपको उतना अच्छा ब्रांच, उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आप जितना अच्छा मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपको उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, ओके। तो चलिए, अब बात करते हैं कि अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के हैं, होम स्टेट से हैं, तो आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप लोग होम स्टेट से हैं तो आप देख सकते हो आपको 120 प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा टॉप ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। वहीं पे अगर आप लोग 100 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा, यानी बेसिकली आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर रैंक की बात करें तो आपको 150 प्लस रैंक लाना पड़ेगा तभी आपको टॉप का ब्रांच मिलेगा। और अगर आपका रैंक 1200 के अंदर आता है, बेसिकली 1000 मान लो इसको, अगर आपका रैंक 1000 के अंदर आता है और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वेस्ट बंगाल का, तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा जादवपुर यूनिवर्सिटी में, यानी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखो, अगर आप लोग SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको इससे ज़्यादा रैंक में भी जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग कोई भी कैटेगरी में हो, SC ST OBC PWD आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आपको कैटेगरी का लाभ लेना है SC ST OBC या PWD तो आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मस्ट है, अनिवार्य है। यानी जो स्टूडेंट लोग वेस्ट बंगाल के हैं, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, सिर्फ उन्हीं को SC ST OBC PWD का फ़ायदा मिलता है। अगर वेस्ट बंगाल के बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप SC ST OBC PWD किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो, लास्ट में आप लोग को यही कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनो, WBJEE एग्ज़ाम जो होता है टोटल 4 घंटा का होता है। 4 घंटा में 2 पेपर होता है। पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है, दूसरा पेपर आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होता है। पहला पेपर आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है, 2 घंटा का टाइम मिलता है। मैथमेटिक्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा पेपर आपका 2 बजे से 4 बजे तक होता है, 2 घंटा का टाइम मिलता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, ये भी आपका 100 मार्क्स का होता है, 50 का फिजिक्स 50 का केमिस्ट्री। टोटल 200 में से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का ही आता है। तो आप लोगों को मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसको अच्छे से करना है, मैथमेटिक्स का टेस्ट सीरीज और PYQs को बढ़िया से सॉल्व करना है, ठीक है।
फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी करना है, लेकिन मैथमेटिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स से ही आता है, बाकी 50 का फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री, ठीक है। और आप सभी लोगों को 200 में से 130 प्लस टारगेट करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, PYQs करो, मैथ को बढ़िया से प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, 130 प्लस आपको टारगेट करना है, तभी आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में अच्छा ब्रांच, टॉप ब्रांच मिल पाएगा, ठीक है, समझ गए। तो चलिए ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और WBJEE एग्जाम 2024 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। आप लोग खूब मेहनत करो, ठीक है, मेरी दुआएं आप लोग के साथ है, और अपने मेहनत पे विश्वास रखो, ओके। अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट।